नेपाल स्थित काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में चल रही 8वीं एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 2 पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। बालिका वर्ग में आशा आहूजा ने सिल्वर मेडल व पुरुष वर्ग में सूरज कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर देश का नाम रोशन किया है। बता दें कि भारत की ओर से इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में बिहार से कुल 10 खिलाड़ी भारतीय टीम के मुख्य कोच सह तकनीकी पदाधिकारी सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव और टीम मैनेजर खेंचाई शिल्पी सोनम के नेतृत्व में शामिल हुए थे। इस शानदार सफलता पर नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर कांचन स्टार व रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स की कोच बबली सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय खेल परिषद नेपाल के सचिव द्वारा विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। ये दोनों खिलाड़ी रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करते हैं। दिनांक 25 से 30 मई तक दशरथ स्टेडियम काठमांडू नेपाल में चल रही 8वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, जिसमें कि -74 केजी में आस पहुजा रजत पदक और +74 केजी में सूरज कुमार ब्रॉन्ज मेडल। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। बाकी जो है पूरे बिहार से 10 खिलाड़ियों का चयन इंडियन टीम में किया गया था इंडिया जेनुशन कराटे फेडरेशन के द्वारा। जो वो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किए लेकिन मेडल से चूक गए। इसमें स्वीटी कुमारी भी 3rd राउंड में जाकर मेडल से चूक गई। बाद बाकी सभी खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लॉकडाउन के बाद से जो है 2-3 साल के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। खिलाड़ी अपना अच्छा प्रयास कर रहे थे, किसी कारणवश मेडल से चूक गए। उम्मीद है कि अगले बार से ये खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर मेडल ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएंगे। इन खिलाड़ियों के साथ में जो है मैं स्वयं सिहानी जी राहुल श्रीवास्तव एज ए तकनीकी पदाधिकारी सह मुख्य कोच के तौर पे आया था और साथ में सेंसाई शिल्पी सोनम जो कि टीम मैनेजर के तौर पे आई थी। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नेपाल के 33वें प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ये सभी खिलाड़ी काफ़ी उत्साहित है। ये अपना भारत को 2 पदक मिलने के बाद से वहाँ से नीदरलैंड से जो है ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार और आईएएस चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं व बधाई दिए गए हैं। साथ ही रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट के सभी खिलाड़ी और भी ज़्यादा उत्साहित है क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी रॉस वर्ल्ड मार्शल आर्ट के हैं, तो उसके खिलाड़ी भी काफ़ी फ़ोन कॉल के माध्यम से शुभकामनाएँ वगैरह दे रहे हैं। इन सभी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव चेयरमैन इंडिया जेनुशिन कराटे फेडरेशन। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।